नमस्कार। कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर लेके अगली रात ऐसे प्राविधिक संग्रिया नारायण के साथ में ते कार्यक्रम संस्कृति सरोवर आपके अपने कार्यक्रम हो जिमे हमरे हमने के समाज में हल विकृति विसंगति हटाए गया तमाने विषय समवेश कल जता और इतनी बार ना हो के कि हमारे जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सके के एक बारे में हमरे जानकारी दे कोशिश कल जात और हमरे जान पहचान व्यक्ति से भी वहाँ के विचार आदान प्रदान कल जात। आज हमरे आज हमारा अतिथि बाटे गायक सीताराम चौधरी हमरे वहाँ से बातचीत कल जी यानी कि गायन क्षेत्र के बारे में हमरे वहाँ से वहाँ के विचार आदान प्रदान कल जी और हमने के जो समाज में ये गायन प्रतिभा में जो कितना व्यक्ति लागल बाटे ओखन के एक कैसन भूमिका बा और एक ही से हमन के समाज में कैसन गीत से कैसन असर पड़ता एक बारे में हमरे आज चर्चा कर जी। तो कार्यक्रम में हमरे आज के अतिथि हमन के गायक सीताराम चौधरी हमरे कार्यक्रम में आपके स्वागत कर जतबा। नमस्कार। हाँ तो वैसे आप एक भर के नौ युवक रह गिल बा हमन के समाज में जो है विकृति विसंगति बा एक चिरफार करते जोन के हमन के समाज में देखा जीते तमाम प्रकार के विकृति बा हमन के समाज में आजकल देखा जाते हर एक गाँव गाँव में कहा जा अब वैसे कहा जाते चीज़ कहा था हम गायकार होली की कहानी है इतनी बार ना हो कि कितना जन कहानी कि हम पत्रकार होली की कहानी एकर हमरे गने के ते गण की भी साधे नहीं बा बकिन का अब काम करे वाला उहे एकदम कम व्यक्ति बाटे जे कि हमरे अंग्री में गण सके के वैसे आप कि हमरे मानल जी कि रूपंदेही में के हक में देखा जाए कि हमन की एकदम थोड़े अब गायकार के नाम और निशान मेटा के अवस्था बा एक तरफ देखा जा बकिन का वैसे अब गाँव गाँव में देखा जाते कितना दर्जनों गायकार बाटे कि कहने हमू गायकार होनी बाकी ओखन के एक गीत हमरे सुनल जा और ओखन के विजुअल देखल जा ते हमन के समाज कहाँ जाता कह के हमरे उतने बेर में बुझे के जौन कि आज की युवा लोगन लागल बाटे टीनेज के युवा लोगन ये हमन के एक गलत सोचाई बा हमन के समाज विकृति और जात बा ते आप के हमरे ढेर जगह में भी आपके गीत सुने के मिलल और ढेर कार्यक्रम में भी सुने के मिलल ते जो है गायन क्षेत्र में लागल गिल बा ये कहीं से हमें लागल गिलते बहुत मजा प्रश्न करे सर ये लागल के हमार छोटे ही से हो कहे पड़ल बचपने से जाने लगे तब से हमन के कहे पड़ल कि हमार दाई और हमार बाबा झुमड़े गात रहा आज झुमड़ा में पहले के माने तो झुमड़ा चेतनामूलक नहीं रहे ये आजकल हमारे चेतनामूलक गीत अपने से बना के और हमन के जन कवि बम बहादुर थारू बनेटा ढेर से ढेर झुमड़ा गीत उनके गीत हमारे गायल जाला और ऐसे ही क्रम में जैसे कि झुमड़ो गीत रहला कोनो कोनो फुहर रहला झुमड़ो गीत में ये बात नहीं बा कोनो कोनो फुहर मतलब कि उतना लव संग रहते हमारे फुहर ने कोई मानल जी लव संग रहते वही मारे ढेर संचेतना मूलक हम गायला हमन के समाज में विकृति जो बढ़ता ये विकृति हटाए खातिर हमन के बहुत जरूरी बा कैसे कि निगेटिव मन इनके कखना ढेर बा पॉजिटिव कम बा वही मारे पॉजिटिव सोच हमारे लानल जा और पॉजिटिव किस्म के गाना बनाल जा गायकार होने कहले वर्ष नहीं हुई ऐसा गाना गायल जा कि ताकि हमन के छोट छोट भाई बच्चा वह कुछ सीख जामा वही मारे हमें तो पहले गाना बना ली ढेरी वर्ष हो लगभग छः सात वर्ष हो गई दारू पी के सताई बा ते इहो गाना हमारे बनाए ले है कहे पड़ल ढेर मजा होला ढेर मन पराधन सर। हाँ तो वही हमारे के जो समाज में देखा जा हमन के गाँव घर में देखा जा कितना जने गायकार बाटे सफलता प्राप्त कर नहीं सकले बाटे उते हमन के पता बा बकिन का जैसे अब हर एक जने जो बाटे आधुनिक गीत और लागल बाटे जब के ओखन के गीत हमरे सुने के जो एक मीडिया से भी बजा के नहीं मिलत वैसा किसी के गीत गले बाटे बकिन का आपके कैसे ऐसा सोच हो कि एकमात्र व्यक्ति रह गई बाकी चेतनामूलक और ध्यान दे गई बाटे ऐसा बाकी चेतनामूलक सब जना अब नेगेटिव पर जाता कहके का खाना खानी पीछे दौड़े नहीं भेल सारा समाज वैसे चल जाए कि नहीं हुई वही नाते हमार सोच का बा अलग किस्म के कि हम ऐसा चीज़ करी ताकि हमार अलग किस्म के हमार पहचान रहे सबके पहचान में हमार पहचान न मिले वही नाते कहना ढेर जन बाटा जिसे कौनो गायकार गाता ते ओकर नकल के गा देना ओकर नकल के गैले से अब नाव चली गाई गई गाई वो नाव चली दूसरा कौन तो वही मारे हमारा अलग स्वर बा हमारा अलग पहचान बा अलग किस्म के हमारे गीत रहत वही मारे हम अलग किस्म के अपन चिन्ह वैसे हमन के जिसे अब नेपाल में बाटी थे नेपाल के जो ढेर से गायकार बाटे जो हमन के हिंदी ट्रेक बा वही ट्रेक में अपन गीत गाने लेकिन आपके हमारे एक मौलिकता पाल गिल बा जिसे आज तक आधुनिक कहा जा या हमन के चेतनामूलक कहा जा ये समाज के विकृति विसंगति हमन के फगो कहा जा या ऐसे हमन के होली कहा जा ब्याह के गीत कहा जा ऐसे हमारे झुमड़ा कहा जी या झर्रा कहा जी ऐसा ऐसा गीत आपके मुँह से सुने के मिला ला ते कुछ आधुनिक या हमन के जो हम भरखे नाव हाली
ए कैटेगरी के आप दो चार ठू जो ना आप अभी तक कैसे कर जी। हाँ पहले हम झुमड़े से शुरू करब। कैसे कि झुमड़ा चेतना मल्ला गीत झुमड़ा बा वह गीत हम गाते हैं टी। ये हमार गीत नया हो रिकॉर्डिंग होला भिन वैसे ते मनरम बजा के हमारे गायल जा बजायल जा ते करना लवंडे नहीं मन परावा कहना वहाँ से डोल जामा बाकी एकदम सुन जरूरी भाई गीत सुन के मनोरंजन भरना लेके बल्कि ये गीत का कहता ये गीत से हमारे आगे कितना आगे हमारे बढ़ सकल जी कह के कहना सुन दे पड़ल वह गीत हम आप सबके सुना चाहती। मुर्गा बोलने लगे उगल बिहनिया है मुर्गा बोलने लगे उगल बिहनिया है चिराई उठल चाऊ पाई हो कब जागी है हमारे समाज चिराई उठल चाऊ पाई हो कब जागी है हमारे समाज दुनिया के लोग वे पुगल चंद्र लोकवा है दुनिया की लोग वे पुगल चंद्र लोकवा है हमारे ते छगड़ी चराई हो कह तो सुना तो लागेलाज हमारे ते केहू बने नेता हाकिम केहू सारे दरवा है केहू बने नेता हाकिम केहू सारे दरवा है हमारे ते करी गुरवाई हो लानी खर बिरवाई लाज केहू खेले केहू ऐसी बा। हाँ ते एकदम बड़ी गीत गाल जो कि हमन के समाज में देखा जाए झुमड़ा कहा जाते हमन के आज के जो अनुयोग बाटे ओकर झुमड़ा कहते बिलम कहो के नहीं बुझने हमन के एकदम हमन के समाज से लोप हो गेल बा ते आप एक गीत के माध्यम से जगरना कर गेल बा एकदम खुशी के जैसे कि अब दुनिया के लोग कहां से कहां पुग गेल हमरे इना सोचल कि हमरे छड़ी चढ़े जात होरी कहके हमरे चाहल त हमरे कान कैसे कर समीर सर हमन के बदले के एकदम जरूरी बा जरूरी बा। अति एकर अलावा और कौन कौन गीत गाल गेल एठो हम आप सबके जैसे चेतने मूलक गीत हो गए हैं दारू पी के सताई भाई हमारे बनाल गीत रहे शायद हम गा गैलो बाटे कई बेर जो हम के घरेलू हिम सब हाँ वही में वह गीत हम तरीके सुना चाहती शुरू कर जो दारू पी के सतैबा अरे दारू पी के सतैबा ते चल देब नहीं हर झार के देखते रह जइबा तू रही अनिहार के देखते रह जइबा तू रही अनिहार के दिन रात दारू पिए औरी खेले तास हो पढ़ाई में फेल भइले कबो नहीं पास हो बाबा तुहें पढ़ैले अरे बाबा तुहें लिखैले ना बतिया मनला सार के देखते रह जइबा तू रही अनिहार के। तो ये हमारे लिखल गीत रहे। हाँ तो वैसे एकदम खुशी के बात बा कि आप एक अपने गीत के माध्यम से हमन के समाज में जो विकृति भी संगति के चिरफार करते एक आधुनिकीकरण और जायके खातिन और समय अनुसार आप चले के ओखन के मौका दिल जात बा यानी कि अमेरिकी समाज के एक आयना बन के रह गल बा खुशी की बात बा। तो वैसे कहा जा अब ये रूपंदेही के हक में कहा जाते हमू अपने भी साथ कार्यक्रम में सहभागी होली माकी के कार्यक्रम में अभी बाकी बा ते हर एक जगह हमारे देखल गेल जन एक अब वो गीत हमन के सुने के भी कुछ देखे के भी नृत्य देखे के भी लाज लागे ते आपके हक में जोन कलाकार भाई बहनी बाटे कैसन गीत में ओकरे नाच दी है ते आपके सफलता मिली जी सला। बहुत सही प्रश्न कर सर जैसे कि हमन के हम ढेर कार्यक्रम में गेली सो आपके संग गेली ढेर से ढेर कार्यक्रम में वहाँ का भेल कि हम देखली हमन के कलाकार भाई बहन इनके बाटा लिखल हमन के थारू माघी महोत्सव बाकी वहाँ जाके कखला नाचत रहा कि भोजपुरी गाना में भोजपुरी गाना इतना रफ रफ गाना नाचला कि सुन के लाज लगना हमार दीदी देखल जी कार्यक्रम हेर गेल है हमार दीदी वहीं बैठल साइड में हम वहीं बैठल थी बाकी दीदी सामने से उठ के भाग गेल ऐसा गाना कहना कुल नाचला देख के हमें लाज लग गल ताकि वैसा गाना में हमन के कलाकार ना नाचा हमन के ढेर से ढेर हजारों गाना हमारे थारू निकलता है आजकल पूर्व मेची से लेकर महाकाली तक थारू एक बाटा हमारे तराई भेग में तो हमारे ढेर से ढेर गाना हमारे थारू गाल गल टी हम नहीं कहा कि हमारे गाना में नाचा के कर लगा हम नहीं लगा बाकी इनका अखना थारू गाना में नाच दहल जी और गायकार इनके बाटा थारू गाना उन्हें रोज के कि ताकि हमन के समाज में असर ना पड़े वह गाना रोज के ओकरे नाद दही तो हमन के समाज के लिए हमन कलाकार बहनिन के और देखे वाला सुने वाला हमन के पीढ़ी के लिए बहुत मजा हुई सर। हाँ ते वैसे जो है बिहार के दिन में आप कैसन गीत गाय सोच रखल बा यानी कि तैयारी कैसे कर जत बाती
बहुत सही क्वेश्चन हो बा काखला हमन के जैसे चेतना मूलक गीत भर से फिर नहीं पुगता वही नाते हम सर काखला एठो गई लही एठो और बनी लही अतवार के बारे में बड़की अतवार के बारे में यह चेतना मूलक गीत हो जो कि हमन के एक बड़ी त्यौहार मान हाँ बड़की त्यौहार माना जाला हमारे अभिन्न मान वो आए वाला त्यौहार हो बाकी वह त्यौहार के बारे में हम एठो गाना बने लही वह चेतना मूलक गीत हो थोड़ी क्या सुना चाहती है का गंगा नहैली सूरज मनैली गंगा नहैली सूरज मनैली भुखली हमें बड़की अतवार सखी हमर तब मिलल मधु अभतार हो सखी हमर तब मिलल मधु अभतार ऐसी बसल हाँ तो बहुत बढ़िया गीत सुनाल गेल ओइसे जो ने ये गीत संगीत में लागल गेल बा हाँ ते हमन के दर्शक से माते पाल गेल बा अब ओइसे इहे पेशा में लग के अवसर जैसे बटवा और मन के जैसे चेतना मूलक गीत है इहो चेतना मूलक गीत हो बाकी जैसन दुई गीत हम सुनैले आप सबके लेडीज से गाना बाकी लेडीज से कहत हुई कि ई गायकारो खाली लेडीज से गाना गात स्टेज हम कहत हुई कि लेडीज से गाना गात और चाहे जब इंटरव्यू में भी लेडीज से गाना गाती मैंने सोच रही बाकी यह भा नहीं हम चेतना मूलक और गीत विद्यार्थी के लिए बनैल हैं सर वह चेतना मूलक गीत हो वह थोड़ी क्या सुनाते चाहती वह चेतना मूलक गीत बा पढ़े के दाई घुमली खोबहीन देखा के हमसान साथी हो के कर से कहीं ओ साथी हो के कर से कहीं जचिया में भैली परेशान साथी हो के कर से कहीं सब के तेहा थावा में कापी और कलमवा सब के तेहा थावा में कापी और कलमवा हमेरा के हाथावा में गाजा और भांगेवा गाजा और भांगेवा पेचा खा के पागल भैली पेचा खा के पागल भैली इहे पहचान सथी हो के कर से कहीं जाचिया में भैली परेशान सथी हो के कर से कहीं हाँ तो वैसे आप ढेर से गीत सुना गेल खुशी लागल तो वैसे नहीं हमन के जो एक ब्याह बा पहले और आज के ब्याह में आकाश जमीन के फर्क बा जो कि हमन के पहले के गीत सुनते बेला में एक ऐसा मालूम होते रहे कि भर के ब्याह होत बाकी चाहे भले वो गीत आषाढ़ में जेठ में हो या हमन के कुंवर में चैत में हो चाहे जब वो गीत यदि सुने के मिले कौन भी माध्यम से हमन के कहा जा ते ऐसा मालूम है कि भर के कहीं ब्याह होत बाकी ते बाकी का आजकल देखे जी फगुन में ब्याह हो चाहे माघ में ब्याह हो हर एक महीने ब्याह होत बा अब हमन के समाज ऐसा हो गेल बा परिवर्तन बाकी का ब्याह ते होत बा बाकी का वहाँ जैसे अब हमन के जो ना पहले के गीत हो अब एक रिकॉर्ड डांस ही रिकॉर्ड में एक हमन के नची है बाकी का वो भी एक अश्लील टाइप के गीत में नची है ते आप अपन सोच से ऐसा ने कोनो प्रकार के हमन के ब्याह के गीत निकाल गेल बा हाँ ब्याह गीत एठो बच्चे इतना मतलब को हो हमन के जैसे एठो का कह चाटी जितना गांव गांव के हमन के बुद्धा टेलीविजन देख के हेरत हुई सादल हुई ओखन के फिर से का जानकारी करे चाहती कि और थारू समाज के सबके कि बारात यात ते बारात अइले से पहले अगवानी हो हाँ अगवानी होत तो अगवानी होत कहत कि बारात अभी दूर ही बा तब बरतिहरा के गांव में दारू भट्टी पहले पहले चल जाना तब वो ऐसा ना कह दिया जी के हाँ बरात भीतर ले से पहले पहले आधा बरतिहरा आधा सठिया बरतिहरा आके दारू भट्टी भट्टी में गांव में पुग जाना तो वो ऐसा ना कह के सब जाना बरात दुल्हा संग रही तो हमन के बरात आयल घट लागी और हेरत मजा लागी और ऐसे ही क्रम में हमन के जौन गजुइन रहना डेरा वाले लेके द्वार पूजा होला तो वहाँ टीका उका लगा के एठो गाना गाना द्वार पूजा में तो वो चेतने मूलक गीत हो हम बनैल हई नवा गीत हो स्टेज में गा चुकल हई सबके सामने देखल गेला थोड़के हो गया चाहती पढ़ले पढ़ले हमें सुनी बाबरे पढ़ले पढ़ले हमें सुनी बाबरे दुल्हा बाया ने पढ़ गवारे अब मोरे बाबरे दुल्हा बाया ने पढ़ गवारे अब मोरे बाबरे दिन भरे चिराई मारे ओ दारा लगाए रे दिन भरे चिराई मारे ओ दारा लगाए
जाए रे बिलकोड़वा मुँह से बजाए अब मोरे बाबा रे बिलकोड़वा मुँह से बजाए अब मोरे बाबा रे दिन भर दारू पिए और खेलता से हो पढ़ाई में कबो नहीं पास अब मोरे बाबा रे पढ़ाई में कबो नहीं पास अब मोरे बाबा रे। तब उतना बचन सुन के महतारी का कहता ऐसा ने बारे परे बेटी ना दे बोरे ऐसा ने बारे परे बेटी ना दे बोरे चाहे धिया रही है कुआरे अब मोरे बाबर ऐसे सर। हाँ ते आप डेढ़ से डेढ़ गीत सुनाल गिल एकदम खुशी लागल वैसे कहल जा कि हमन के आधुनिक गीत सुनाल गिल और हमन के ब्याह के ऐसे ऐसे हमन के जुमड़ा गीत भी सुनाल गिल ते कौन ऐसे गीत आपके इतना करी छोटा जैसा लागत कि ये गीत भी गायक पहले होती कुछ सुनाए पहले होती थे और बड़े हो होते क्योंकि आते अंतिम में कौन ऐसा आपके छोटा जैसे कि कहाँ ना माने कि मीठ 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 खाई देखे तने के नहीं मजा लागत ते तो हम तने के चटनी देना ते तने के चटनी मेरे के गीत अच्छा बनाए लेना या गीत निकाला हमन के अभिन हाल के नया स्टेज में हम अपन ही भी जोड़ों मतलब कहीं के देखे ली तनिक के सुवांग के गीत हो झुमड़ा गीत जब गाय जाला तो सुवांगो गाय जाला ते सुवांग निकल रही भैया थोड़ी का सुना चाटी गंगा नहैली सूरज मनैली गंगा नहैली सूरज मनैली पहली हो छोटे कुनवा भतारे पहली हो छोटे कुनवा भतारे पहली हो छोटे भतार मोरे बड़ा होशियार हो छोटे भतार मोरे बड़ा होशियार हो जहाँ पठाई तहाँ दगुरा ले जाए जहाँ पठाई तहाँ दगुरा ले जाए ऐसे किसी के पास हाँ एकदम खुशी लगल आप जिसे अपन अमूल्य समय दे गिल और जिसे आप जो आज गान क्षेत्र में लगल गिल बा खुशी के बात बा और हमरे भी खिचड़ी के हर एक जगह में माघी जो कार्यक्रम भइल अभी होते बा हमन के और बंदी हक में अब वैसे हम कह चुकल बाटी कि सजग में हम अपने सहभागिता जनले बाटी ते हर एक जगह में आपके जो एक सहभागिता रह भी करे और अपन जगह में आप एक ओकरे साथ में आप अपने गीत के साथ में एक आप ओके विजुलाइज भी कल गिल खुशी के बात बा ते आप अपन अमूल्य समय दिल खुशी लागल ऐसे अंतिम में जो हमन के दर्शक बुद्ध समुदाय टेलीविजन हेर के बैठल बाटी ओखन के खातिन कौन चीज कह चाहल जात बा हम ओखन के जितना हमन के दर्शक बाटा श्रोता बाटा वो हमारे लिए भगवान होला हम हाथ जोड़ के वो भगवान से कहती सबके कि आप सब नेगेटिव सोच बढ़ाएल जा और हमन के समाज में नेगेटिव लाना पॉजिटिव लानल जा नेगेटिव सोच हटाएल जा और पॉजिटिव लानल जा यह कहत आप सबके कहती कि जितना कलाकार भाई बहनिन के हमन के बुधा टेलीविजन देख देना और जितना कार्यक्रम में नाचे गई ना हमन के भोजपुरी गाना में नाच ले भर से हमन के विकृति नहीं हटी विकृति जन बढ़ते जाता छोट छोट लड़का उहे कुल देख के उहे कुल सुन के उहे कुल में नाचता आजकल के छोट छोट लड़का जन की दुई वर्ष लड़का उसे कुछ नहीं बुझाता लेकिन उहे कुल गीत कहनों का मन मस्तिष्क में बैठ जाता वही नाते हम सबके कलाकार भाई बहन के कहती कि हमन के बरू नेपाली गीत में नाच दा नेपाली गीत मजा हमन के भोजपुरी गीत में ना नाचा कि हम नहीं कहब बाकी जितना उदित नारायण के रहे कुमार सानू के रहे पुरान पुरान गीत रहे वो कुल भोजपुरी गीत में नाचा बाकी इनका खाना हमन के जन आजकल के नया निकला अपना सुन सुनते लाज लागत वो सब गीत में नाम दहल जा थारू माघी महोत्सव हो तो थारू माघी महोत्सव के थारू के कहना लाज रख दहल जा यह कथा हम आप सबके यह कह चाहती हाँ तो वैसे फिर से आपके अमूल्य समय की करती आपके हृदय से धन्यवाद देख चल जात बा हाँ तो आज हमारे कार्यक्रम में हमन के आज अतिथि रहने गायक सीताराम चौधरी जो कि हमन के डिस्ट्रिक्ट गायकार बाटी हैं हम कह चुकल बाटी कि अब गायकार के नाम लेह लागल जीते एक ही गाँव में दर्जनों गायकार हमू होली के कहानी बकिन का वैसे सफलता कहा जा या हमन के समाज के सही दिशा और डरेना एकमात्र हमरे देखे सकल जी गायक सीताराम चौधरी से हमरे भर के वहाँ के विचार आदान प्रदान कल गिल और हमरे विचार छठू गीत भी सुनल गिल खुशी लागल ऐसे हमरे आपसे बातचीत करते विद्यालय में हो गिल बातें आप देखल गिल बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर ऐसे आपके हृदय से धन्यवाद ऐसे फिर आपसे भेंट होबे करी और आप देखते रह जी बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन ही कहते राज भी विदा होत बा नमस्ते।